पहला पेमेंट आपका कितना आया था? वो मेरी आई हुई पहले मतलब कौन आई लव यू बोले आप? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। दोस्तों मैंने जो टूर शुरू किया था उसका ये लास्ट ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग में दोस्तों आप लोग पूरा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि यही मेरा आखिरी उम्मीद है दोस्तों। और ये जो ब्लॉग है ना ये बहुत ही स्पेशल है, स्पेशल इसलिए है कि मैंने वहाँ पे विजय रिया दोनों से मैंने बात किया वहाँ पे, और कुछ फनी मोमेंट भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। पहले आए अभी किसने बोला था ये बात भी मैंने उनसे पूछ लिया। सच में तो क्या हो जाए, तो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये बनाते हैं क्या वीडियो? बताइए यहाँ पे कितने यूट्यूबर लोग मिल गए यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे क्यूट सब्सक्राइबर भी मिल गए। यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है, अभी मुझे लगता है कि मैं झारखंड में हूँ, और ये बोलते हैं कि बंगाल में हम लोग आ गए हैं। तो अभी दोस्तों विजय रिया ब्लॉग से हम लोग मिल लिए। वैसे तो ये लोग परिचय के मोहताज नहीं है, ऑलमोस्ट अपने इंडिया में सभी लोग इनको जानते होंगे। तो इन लोगों से पूछ लेते हैं कुछ मोटिवेशन वाली बातें। कुछ बता दीजिए कि आप अपना लाइफ स्टाइल मतलब कैसे चेंज हुआ, यूट्यूब पे कब आए, पहले यूट्यूब पर आपको सक्सेस किस वीडियो से मिला है? जैसे कि वो हम लोग यूट्यूब में आए कब, वो तो अवार्ड में तो देख ही जाएगा। हाँ। जो हम लोग 15 जनवरी 2022 से हम लोग स्टार्ट किए। हाँ। वो दिन से मेरी जीमेल बना चैनल, उसके बाद फिर हम लोग भी लगातार काम करते गए। और एक दो वीडियो थी कोना साग की पत्ता रोटी, जो हमारे गांव देहात में जो खाते हैं हमारा झारखंड में। अच्छा, हाँ। तो वही वीडियो हम वीडियो देखे। हाँ, वीडियो बनाए, तो वीडियो समथिंग 8 या 9 मिलियन भी हो। वो फिर चलते चलते फिर हमारा जो सेकंड पेमेंट माई यूट्यूब सेकंड पेमेंट वो समथिंग मेरा 10 मिलियन भी हुई उस वीडियो में। और अन्य बहुत सारे ऐसी वीडियो से जो 3-4 मतलब ऐसे काफी सारे, और मतलब काफी अच्छा रहा। पहला पेमेंट आपका कितना आया था? वो मेरी आई हुई थी 8,000 समथिंग आया था। अच्छा। जो क्राइटेरिया होता है $100 पूरा करना ना। हाँ, क्राइटेरिया। हाँ, तो वो पूरा होकर के ही 150 जैसा कुछ होगा। कितने दिन में आ गया था वो? मेरा 2 महीना तक में आ गया था। 2 महीने में आ गया था। और अपने लव मैरिज के बारे में कुछ बता दीजिए, कैसे हुआ, क्या हुआ? वो जैसे कि समथिंग अगर घूम करके जाएंगे तो 5-6 किलोमीटर दूर पड़ेगा इनका मायके, मेरा ससुर घर, और इधर सड़क जाएंगे तो होगा 2 किलोमीटर दौड़ है। तो बीच में वो नदी है, तो वही नदी में जैसे जान पहचान हुई थी, फिर हम लोग मैट्रिक में गए, तो मैट्रिक में जाने के बाद और थोड़ा सा जान पहचान हुआ। उसके बाद फिर अगर लंबा फिर खींच जाएंगे तो और लंबा होता जाएगा, जानते ही है। शॉर्ट कट में स्टोरी बता दीजिए कि कैसे क्या हुआ। वही नदी से पहचान पहले मतलब कौन आई लव यू बोले आप? होता है ना, मतलब कहीं ना एक तरफ से तो पहल होता है। होता है कि नहीं होता है? वो तो ऐसा होता। अच्छा, पहले से मतलब कोई रिश्ता होता है मतलब कुछ की? नहीं नहीं, बस ऐसे अगल बगल के गांव है, मतलब 3-4 किलोमीटर डिफरेंट है। अच्छा, नदी जाते थे हम इधर से बैल उल चराने के लिए, पहले होते थे उस समय भाई साहब, वही भी नहाने आते थे। जान पहचान हुआ, फिर हाई स्कूल में लोग पढ़े हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा दोस्ती हुई, एक साथ लोग पढ़े हैं, धीरे धीरे बात विचार और थोड़ा सा मतलब दोस्ती के बाद ही कहते ना। मतलब रिश्ता पहले से कुछ नहीं, नहीं था, था। नहीं था। बाद में मतलब दोस्ती हुआ, और दोस्ती से मतलब दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तो वही कहानी हो गया। खैर अच्छा है, बहुत बढ़िया लाइफ चल रहा है, और भगवान करे कि ऐसे ही चले। तो यही सब है, और कुछ मोटिवेशन के लिए बोल दीजिए दोस्तों को, यूट्यूब फैमिली को। दोस्त अगर आप लोग एक नए अगर यूट्यूबर हैं तो वैसे आप लोग भी वीडियोस बनाए, क्योंकि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये एक किस्मत भी है। हाँ। कि भैया जानते होंगे। हाँ। क्योंकि ये कितना दिन से मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप लोग पहली बार अगर इस चैनल पे आए तो भैया आप लोग सपोर्ट करिए, इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और भी अच्छे से वीडियोस बनाते हैं। तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करिए भैया को। और विजय रिया ब्लॉग जो है इनके बारे में बहुत से मैंने निगेटिव वीडियो भी देखा था, तो पहले मेरा मूड था कि मैं आऊं, लेकिन उस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा मतलब होता है ना, ये तो हो जाता है किसी को भी, लेकिन जितना वीडियो में आप लोग देखते हो ना वो सब झूठ है, सब बेबुनियाद है। यहाँ पे आइए आप लोग और देखिए, अभी बहुत से लोग आए थे यहाँ पे, सबसे इन्होंने फ्रेंडली मिला, सबसे के साथ इन्होंने वीडियो बनाया। दूसरे लोग जो होंगे ना उनका ये दिमाग हैंग हो जाएगा, लेकिन ये सबको कैसे हैंडल किए, जो लोग मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते थे सबका जवाब दिए, और खूब अच्छा से वीडियो बना लिए, और सब बच्चे सब खुश हो गए चले गए। हाँ, एक दो लोग होते हैं जो। हाँ। मतलब चंद व्यूज के खातिर, लेकिन हम तो सबको यही समझाते हैं
कि अब ये को वीडियो वायरल करा करके कुछ नहीं होगा, कुछ नेगेटिव वीडियो बना लीजिएगा या तो 100 जो भी हो गलत था हमने, लेकिन वो आपके जो भी सब्सक्राइबर आएंगे जो यूट्यूब देखिए, आज जो हमारी जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं लोग हैं, इंसान है, उनके अंदर में दिमाग है, दिमाग है। आज मेरे साथ इतने सारे लोग मिले हैं, बहुत सारे लोग आए डेली जो मेरे से मिल के गए हैं, उनको भली भांति मेरे बारे में पता है कि मेरा क्या व्यवहार है, और वो वीडियो देखेगा तो उनको पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा वो क्या है नहीं है, वही तो बात है ना, यही सब होती है, यही सब होता है दोस्तों। लेकिन हम सबको ये कहेंगे कि जो रियल है, जेन्युइन है, वही सब वीडियो लाइए, बनाइए, क्योंकि किसका किस्मत कपार में क्या है वो कोई नहीं जानता, इनके किस्मत में क्या है कोई नहीं जानता, मेरी किस्मत में क्या है कोई नहीं जानता, इसलिए आप लोग मेहनत करिए, सबको सफलता मिलेगी, एक दिन नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगा, सही बात है। आप लोग सपोर्ट करिए एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अभी जो है दोस्तों इस ब्लॉग को अभी जाना है हमको बहुत दूर, यहाँ से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर जाना है बिहार, तो इसको यही पेंट कर देते हैं। ये ब्लॉग दोस्तों आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। और दोस्तों बहुत से लोग मेरे फैमिली को मिस कर रहे थे, युवराज, पल्वी, आराध्या परी सबको, तो उन लोगों को दिल से थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि युवराज आपके ब्लॉग में नहीं आ रहा है, तो ब्लॉग में मजा नहीं आ रहा है, बट क्या करें दोस्तों मैं भी मजबूर हूँ। तो अब मैं अपने फैमिली के बीच आ गया हूँ और कल से जो भी ब्लॉग आएगा वो मेरे फैमिली के साथ ही आएगा कुछ दिनों तक, होली के बाद तक, उसके बाद मैं कश्मीर चला जाऊँगा, तब तो दोस्तों मैं फैमिली को अपने नहीं ले पाऊँगा ना ब्लॉग में, क्या करूँ दोस्तों, यूट्यूब पर तो सक्सेस मिल नहीं रहा है, जाना ही पड़ेगा, मजबूर हूँ। अगर मेरी जगह आप रहोगे तो आप भी यही करोगे दोस्तों, मतलब अपने फैमिली को पालने के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कोई ना कोई तो रोज़गार करना ही पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा दोस्तों, सब कुछ छोड़ के गाँव, अपना समाज, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, अकेले जाना पड़ेगा दोस्तों। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अपने पूरी फैमिली के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।